Good morning, children. Welcome to the English Literature class at BLS International School, Hathras. Children, on the previous turn, we have completed half of the chapter. Previous turn पर हमने आधा chapter complete कर लिया था explanation का. And on the previous turn, we have learned about addition's initial life. हमने starting जो life थी, कैसे उनको school से withdraw किया, क्या प्रॉब्लम्स होती थी, कैसे उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट्स किया एग्स को हैच करने के लिए, उसके बाद वो किस टाइप की बुक्स पढ़ते थे, लाइक ही यूज़ टू रीड साइंटिफिक एंड साइंस बुक्स एंड हिस्ट्री बुक्स, एंड उनके घर में लाइब्रेरी भी थी, एंड हाउ डिड ही सेटअप हिज लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और कहाँ उन्होंने अपनी जो लेबोरेटरी थी उसको एस्टेब्लिश किया था, इन द सेलर ऑफ हिज होम. तो ये सब हमने कल यहाँ तक जाना, और कैसे उन्होंने लेबल कर दिया था पॉइजन्स, पॉइजन करके नेम मेंशन किया था सो दैट नो वन शुड टच दोज केमिकल्स, एंड अराउंड 200 बॉटल्स ही हैड बीन कलेक्टेड. तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था. चलिए चिल्ड्रन, आज कंटिन्यू करते हैं. अभी हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 27, अगेन सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 27. सो चिल्ड्रन, बी रेडी विद योर पेंसिल and open your book, page number 27, second paragraph on the page. So whichever the word you feel difficult, just underline it and mention the meaning. The experiments consumed the boy's pocket money rapidly. Soon he started working as a newsboy. Though his parents objected to this, unke parents ne object kiya is cheez ko. Addition pointed out that as a newsboy, he could earn all the money he needed for his experiments. Besides, he could read newspapers and magazines for free. After settling up the laboratory, उन्होंने labs को set करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो experiments वो करते थे, experiments consumed the boy's pocket money rapidly. अब क्योंकि उनको chemicals खरीदना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसने क्या किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो पॉकेट मनी थी वो बहुत जल्दी जल्दी यूज़ हो गई. नाउ ही वॉज नॉट लेफ्ट विद मनी, सो व्हाट डिड ही डिसाइडेड, ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज़ बॉय. न्यूज़ बॉय होता है चिल्ड्रन द वन हु सेल्स न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर्स को सेल करता है, बेचता है. तो ही स्टार्टेड दैट जॉब. दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड फॉर दिस, मतलब उनके जो एडिशन के पेरेंट्स थे उनको ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू वो रिफाइंड थे, यानी उनकी एक अच्छी पोजिशन थी सोसाइटी में, और वो एजुकेटेड भी थे, तो उन्होंने मना किया कि आप न्यूज़ बॉय की जॉब नहीं करोगे, उनको ऑब्जेक्शन हुआ. दैन एडिशन मेक देम अंडरस्टैंड, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एज अ न्यूज़ बॉय ही कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, और न्यूज़ बॉय के जब एज अ न्यूज़ बॉय जब वो जॉब करेंगे तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या कर पाएंगे, अर्न कर पाएंगे मनी जितनी उनको ज़रूरत है, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, जब वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को सेल करेंगे तो वो उनको रीड भी कर सकते हैं, राइट, इजीली उनको फ्री में रीड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, ही वॉज सून सेलिंग पीरियडिकल्स ऑन अ लोकल ट्रेन दैट ट्रेवल्ड बिटवीन पोर्ट ह्यूरॉन वेयर ही लिव्ड एंड डिट्रॉइट अ बिजनेस सेंटर. This train had a disused smoking compartment which was given to Edison to keep his papers. He kept his papers there, but besides that he also transferred his laboratory from the cellar and set it up on the train. At the age of 14, Edison became a striking example of overcoming hardships to pursue knowledge. Children, he was soon selling periodicals. Periodicals children same, magazines होती हैं. News boy बनने के बाद उन्होंने newspaper and magazines को पहले newspaper फिर magazines को बेचना शुरू किया local trains में, जो कहाँ से कहाँ तक travel करती थी, Port Huron जहाँ वो रहते थे और Detroit एक business center था, तो वो local trains में periodicals जो magazines होती हैं उनको sell किया करते थे. The train had a disused smoking compartment which was given to Edison to keep his papers. एक ट्रेन में एक कंपार्टमेंट होता है, एक जगह, एक रूम, सेपरेट रूम था जो एडिशन को दे दिया गया था कि वो अपने पेपर्स वहाँ
रख सकते हैं. बट बिसाइड्स दैट ही ऑल्सो ट्रांसफर्ड इज लेबोरेटरी. मतलब इसके अलावा भी, मतलब पेपर्स रखने के अलावा, एडिसन ने क्या किया, अपनी जो लेबोरेटरी, अपनी जो लैब थी उसको भी उन्होंने वहीं ट्रांसफ़र कर दिया. यानी ट्रांसफर मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी जगह पर. तो उन्होंने अपने सेलर से लेकर जो उनकी लेबोरेटरी थी उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया, कंपार्टमेंट, यस, इन द ट्रेन, इन दैट लोकल ट्रेन जो उनको कंपार्टमेंट मिला था पेपर्स रखने के लिए. तो पेपर्स के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपनी लेबोरेटरी को भी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया. At the age of 14, Edison became a striking example of overcoming hardships to pursue knowledge. At the age of 14, यानी 14 years की age पर Edison एक example बन गए. क्या बन गए? Striking example. Striking मतलब एक strong emotions के साथ knowledge को pursue करना, यानी knowledge के पीछे भागना, यानी knowledge लेने के लिए, gain करने के लिए वो कितने मेहनत करते थे, हार्डशिप्स का एक एग्जाम्पल बन गए लोगों के लिए. आई एम श्योर चिल्ड्रन आपको समझ आ रहा है. सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28, फर्स्ट पैराग्राफ. वी विल स्टार्ट विद वन डे द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट ओवर अ पीस ऑफ पुअरली लेड ट्रैक. एज द ट्रेन जॉल्टेड वायलेंटली अ स्टिक ऑफ फॉस्फोरस वॉज जार्ड फ्रॉम इट्स shelf, fell to the floor and burst into flame. The compartment was on fire. The boy tried hard to quench the blaze. The train conductor quickly rushed in with water and saved the compartment. At the next station, Edison, along with his equipment and papers, was thrown out of the train. The train moved off, leaving him on the platform with tearful eyes amidst his broken articles. Now what happens next? Ek din train jab ek kharab se track par chal rahi thi, a piece of poorly laid track, yani kharab sa track tha, us pe chal rahi thi. As the train jolted violently, aur jab us pe chalte mein train ko jolt means jerked, yani jhatka laga, aur us jhatke mein kya hua, jo a stick of phosphorus was jarred from its shelf. फॉस्फोरस एक सब्सटेंस होता है जो शाइनिंग होता है, वो क्या हुआ, वो शेल से गिर गया नीचे. और आफ्टर दैट फेल टू द फ्लोर एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम. और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा और क्या होने लगी, फ्लेम्स, यानी आग जलने लगी. द कंपार्टमेंट वॉज ऑन फायर. अब पूरे कंपार्टमेंट में क्या हो गया, आग लग गई. द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्विंच द ब्लेज. क्विंच द ब्लेज, चिल्ड्रन आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर, स्टॉप द फायर फ्रॉम बर्निंग. बच्चे ने, उस बॉय ने यानी एडिशन ने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की कि वो उस आग को बुझा सके. लेकिन द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रश्ड इन, रश मतलब अंदर आना, तेजी से जल्दी भागा, अंदर आया, इन विद वाटर एंड सेव द कंपार्टमेंट. वो पानी के साथ अंदर भाग कर आया और उसने आग बुझा दी और कंपार्टमेंट को सेव कर लिया. बट एट द नेक्स्ट स्टेशन, जैसे ही अगला स्टेशन आया, एडिशन को अलॉन्ग विद हिज इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट्स करने में जो सामान हम यूज़ करते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स के साथ में उस जो कंडक्टर था उसने एडिशन को स्टेशन पे उसका इक्विपमेंट्स फेंक दिए और निकाल कर बाहर कर दिया. द ट्रेन मूव्ड ऑफ लीविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म विद टीयरफुल आईज अमिडस्ट हिज ब्रोकन आर्टिकल्स. यानी जो ट्रेन थी वो उसको स्टेशन पे फेंक कर उसके सामान को आगे चली गई और टीयरफुल मतलब आंसू भरी आंखों को उसके टूटे हुए आर्टिकल्स, यानी क्योंकि जब उन्होंने सब्सटेंस उनको फेंका, उनके इक्विपमेंट्स को, तो वो इक्विपमेंट्स जो थे वो टूट गए. सो ट्रेन जो है वो चली गई और एडिशन जो थे प्लेटफॉर्म पर आंखों में आंसू भरे हुए थे और अपने टूटे हुए इक्विपमेंट्स के बीच में उनको छोड़कर ट्रेन चली गई. नाउ चिल्ड्रन लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ. After the accident, okay, let me ask you the question. Why did the Edison join as a newsboy? Why did he get the job of a newsboy? क्यों उन्होंने newsboy की job ली? Will you answer it, children? Yes, because he was not left with money. उनकी जो pocket money थी
वो जल्दी से कंज्यूम हो जाती थी. सो टू अर्न मनी टू बाई इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी. दैट इज वाई ही हैड टेकन अ जॉब ऑफ अ न्यूज बॉय एंड शिफ्ट ट्रांसफर्ड इज लेबोरेटरी ऑल्सो इन द ट्रेन इट सेल्फ. नाउ लेट्स कंटिन्यू.